what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about how to create calculator in JavaScript part 3. जी हाँ guys, इस lecture में हम बात करेंगे हम calculator कैसे create कर सकते हैं JavaScript में. तो चलिए guys शुरू करते हैं. लास्ट टू लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने HTML से जो है स्ट्रक्चर क्रिएट किया था एंड देन गाइस फिर हमने इसको स्टाइल किया था, ठीक है, जो कि इस तरीके से आपको शो हो रहा है. ठीक है, तो हमने कैलकुलेटर स्टाइल भी कर लिया है और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे JS की. अब जावास्क्रिप्ट अप्लाई करेंगे, फंक्शनैलिटी अप्लाई करेंगे और इसको बनाएंगे डायनामिक. ठीक है, मेन के 0 प्रेस करूँ 7 प्रेस करूँ तो ये वर्क करेगा. ओके, तो अब मैं आता हूँ अपने एडिटर पर. ओके, और ये मेरा HTML का पार्ट है. ओके, तो अभी के लिए इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ. ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहा था. ठीक है, इनके ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में किया और सेकंड लेक्चर में हमने ये स्टाइल किया सब. ओके, और इस लेक्चर में हम फंक्शन क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल है. ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ पर फंक्शन शुरू करना है, फंक्शन का कीवर्ड और यहाँ पर फंक्शन का नेम, जैसे लेट्स से कि BTN1. ओके, BTN1, तो यहाँ पर कर ली ब्रैकेट. और गाइस जैसे मैं यहाँ पर अब बताऊँ आपको कि अब हमारे पास है कैलकुलेटर, एक नेम है, एक डॉक्यूमेंट है, उसमें एक नेम है कैलकुलेटर का, उस कैलकुलेटर के अंदर एक नेम है विंडो का और उस विंडो का वैल्यू हमने फेच करना है. ठीक है, मेन के वैल्यू. अब देखें जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा ना, आपने वैसे समझना है, डॉक्यूमेंट है डॉट, उसके अंदर एक कैलकुलेटर जो है वो एक नेम है, ठीक है, फॉर्म का नेम है. ठीक है, और उसके अंदर एक विंडो है, विंडो किसका नेम है, इनपुट फील्ड का. ओके, डॉट उसका जो वैल्यू है, मीन कि ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर यूज़ करूँगा एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर. ओके, और यहाँ पर करेक्टर एक स्ट्रिंग है, कोडेबल कोड और ये 1. ओके, तो इसके अंदर जो वैल्यू मैं ऐड कर रहा हूँ वो है 1. ठीक है, तो गाइस ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था ये असाइनमेंट ऑपरेटर. लेट्स से गाइस अगर आप इस पूरी वैल्यू को, ये डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ तक इस वैल्यू को आप लेट्स से सपोज कर रहे हैं, आप सपोज करें कि ये एक्स है. ओके, मैं इसको यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट कमेंट में हम लिखता हूँ यहाँ पर मैं, कि आप सपोज करें कि ये क्या है, एक्स है ये पूरी वैल्यू. ठीक है, और एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर और ये डबल कोट के अंदर ये 1, सेम वही वैल्यू मैंने लिख दिया ऐसे. ओके, एक्स आपके इसके बराबर है. ओके, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, एक्स प्लस डबल कोट एंड 1, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ओके, तो अब जैसे ही अगर गाइस लेट्स से कि अब अगर मैं इसको अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ अपने बटन 1 पे, तो बटन 1 मेरा है ये, तो यहाँ पर इवेंट हैंडलर यूज़ करूँगा ऑन क्लिक, ऑन क्लिक. ठीक है, और अब इस फंक्शन को गाइस मैंने कॉल करना है, मीन कि ये मेरा जो फंक्शन है ना, जूम कर दूँ, इस फंक्शन को मैंने कॉल करना है BTN1 को. ठीक है, ऑन क्लिक पे, तो यहाँ पर लिखूँगा BTN1. ठीक है, फंक्शन है मेरा ये. अगर मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ गाइस, लेकिन रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ मिलने वाला है 1. ठीक है, इनके क्लिक करता हूँ तो 1 आ रहा है. ओके, मीन के ये बोलता है कि 1 जो है वो एक ऐड कर दो इसके अंदर, इसकी वैल्यू में. ठीक है, अब जैसे मैंने क्लिक किया तो x की जो वैल्यू है गाइस वो क्या होगी, x की वैल्यू होगी 1. ओके, यानी मैंने एक दो प्रेस किया. ओके, तो अब नीचे आता हूँ, अब x की वैल्यू क्या थी, 1 इक्वल टू, फिर x की वैल्यू क्या है, 1. ठीक है, प्लस, और फिर हम इसमें करेक्टर ऐड कर रहे हैं 1. अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, लेट्स से अगर मैं दोबारा 1 क्लिक करता हूँ, जैसे 1 क्लिक किया, फिर ये जो 1 जो है, ये वाला जो 1 है, फिर हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, अब ये जो रिजल्ट क्या होगा, इसकी वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास यहाँ पर, x इस ये डबल 1. ठीक है, ऐड नहीं होगा. ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर x की वैल्यू डबल 1 है, इक्वल टू, फिर डबल 1, फिर प्लस, डबल कोट, फिर 1. ठीक है,
अब जैसे ही मैं फिर से दोबारा एंटर करूँगा 1, तो 3 हो जाएगी। तो अब x की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी वहाँ पर, यहाँ पर 3 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 3 होगी, तो मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि x की वैल्यू 111 होगी, ठीक है। सेव इस तरीके से गाइज ये वर्क करता है हमारे पास, ठीक है। x की वैल्यू 111 इस तरीके से, ओके। तो इस तरीके से जो है ना x की वैल्यू हम यानी कि इंक्रीज होती जाएगी। तो ये इस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है, एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑपरेटर। तो खैर आपको इसका समझ आया होगा, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके। अब बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आपने सिंपल ये एक ही कोड है, आपने सिर्फ 18 जो है फंक्शन बनेंगे हमारे, ठीक है। तो मैं कॉपी करता हूँ, बल्कि यहाँ से थोड़ा सा इसको, हाँ ठीक है, अब इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको करता हूँ पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट, फिर पेस्ट। इस तरीके से मैंने जो मेथड बनाने हैं, यहाँ पर थोड़ा सा रूम एडअप कर दूँ यहाँ पर मैं। अभी कितने हैं ये, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद ये नीचे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ठीक है। सेव। अब सारा कुछ काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब सिंपल हमने इनके यहाँ पर नेम चेंज करने में, इनके यहाँ पर और यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, ये हैं 2, ओके, और ये हैं 3, और ये हैं 4, ओके, और ये हैं 5। इस तरीके से नीचे आता हूँ, ये हैं 6, ये हैं 7, ओके, ये हैं 8, ये है 9, ये है 0, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो हमारे बटन हैं मीन के प्लस माइनस, वो हम बनाएंगे, मीन के ये होगा प्लस का, ओके। तो मैं यहाँ राइट करता हूँ प्लस, एटीएन प्लस, और यहाँ पर जो है हम प्लस का प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर प्लस आ गया हमारे पास, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास होगा माइनस, हम यहाँ एस यू बी सब्ट्रैक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा। इस तरीके से डिवाइड, तो यहाँ पर डिव लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, स्टेरिक आ जाएगा यहाँ पर, ओके। और क्या है, परसेंटेज है हमारे पास, तो मोड लिख देंगे, मॉडलस मोड, ओके। और यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके से डॉट है हमारे पास, btn डॉट, तो यहाँ पर क्या आएगा, डॉट आ जाएगा, ओके। इस तरीके से हमारे पास क्लियर है, तो यहाँ पर c आ जाएगा कैपिटल, ओके। और एक जो है हमारे पास वो है मीन के असाइनमेंट ऑपरेटर, मीन के इक्वल टू, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो इसके लिए हमें जो है मीन के क्लियर, इसके लिए हम यहाँ पर मेथड बनाते हैं btn आंस, मीन के आंसर के लिए, ठीक है। तो इसको हम एंड में करेंगे, अभी के लिए इनको हम सेट कर लेते हैं, देखते हैं वर्क करते भी हैं या नहीं, ओके। तो हमने प्लस माइनस, प्लस माइनस, स्टेरिक, डिवाइड, डॉट, परसेंट और सब हमने क्रिएट कर लिए हैं। अगर हम देखते हैं कि वर्क कर भी रहे हैं नहीं, क्योंकि मैंने अब इनको कॉल नहीं किया, ठीक है। तो गाइस मैंने सिंपल आना है अपने बटन्स पे, और यहाँ पर जो है ऑन क्लिक, जो इवेंट मैंने जैसे यहाँ यूज़ किया है, अब यहाँ सब पे यूज़ होगा। जैसे कि 7 है, तो यहाँ पर ऑन क्लिक, ओके, और यहाँ पर btn 7, ये मेथड है हमारे पास, तो मेथड आ जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट, इन सब पे मैं ऑन क्लिक एक टाइम पे ही लगा लेता हूँ, फिर हम बस मेथड यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, ओके ओके, ऑन क्लिक, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू किसका है, 8 का है, तो btn 8 आ जाएगा, btn 8, ओके, और यहाँ पर btn 9 आ जाएगा,
ओके, और ये यहाँ पर पी टी एन प्लस, सॉरी यहाँ पर पी टी एन प्लस, ठीक है प्लस ही आएगा। ओके तो ये मेथड आ जाएगा सेव। नेक्स्ट हमारे पास है पी टी एन फोर, और यहाँ पर पी टी एन फाइव, और यहाँ पर पी टी एन सिक्स। नीचे आते हैं पी टी एन सब्ट्रैक्ट, ओके, और यहाँ पर नीचे आते हैं तो ये बी टी एन टू होगा। यहाँ पर ऑन क्लिक मैंने अप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे, यहाँ यहाँ, ओके सबको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ ऑन क्लिक करता हूँ, ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ करूँगा, और इनका जो वैल्यू है अभी वो फंक्शन है यहाँ हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या है बी टी एन, बी टी एन टू, ओके, और इस तरीके से बी टी एन थ्री, ओके, और इस तरीके से बी टी एन स्टेरिक, बी टी एन मल्टीप्लाई, और इस तरीके से बी टी एन ज़ीरो, और बी टी एन मोड। तो यहाँ पे आएगा बी टी एन डॉट, ओके, और ये है बी टी एन डिवाइड, ठीक है, बी टी एन डिव, ओके। तो मेथड था हमारे पास सेव। अगर अब मैं रिफ़्रेश करूँ तो गाइस इतने फंक्शन क्रिएट हो चुके हैं, तो अगर मैं ज़ीरो लिखता हूँ ज़ीरो नहीं शो हो रहा, क्योंकि ज़ीरो पे शायद थिंग लगा नहीं है, तो ये वर्क नहीं कर रहे, पता नहीं क्या हुआ इनको। खैर चेक करते हैं इनको, सेव, यहाँ पर भी सेव करते हैं इसको, और फिर से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। अब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन प्लस माइनस स्टेरिक डिवाइड डॉट परसेंट ज़ीरो। अब ज़ीरो वर्क नहीं कर रहा, इसको हम देख लेते हैं कि ज़ीरो क्यों नहीं वर्क कर रहा। तो ज़ीरो कहाँ है हमारे पास, पे टी एम ज़ीरो, ओके, तो आई थिंक बी टी एन ज़ीरो का हमने क्रिएट ही नहीं किया, ओके, तो बी टी एन ज़ीरो क्रिएट तो किया है हमने, ओके, बी टी एन ज़ीरो कैलकुलेटर विनो, ठीक है बिल्कुल हमने इसको क्रिएट किया हुआ है। तो पी टी एन ज़ीरो कहाँ पर है, ऑन क्लिक पी टी एन ज़ीरो मैथड सेव, तो ये वर्क नहीं कर रहा, ऑन क्लिक, अच्छा ये वैल्यू भी ठीक है, और अगर रिफ़्रेश करूँ फिर से तो ये ज़ीरो वर्क नहीं कर रहा, ओके कर रहा है, ठीक है, तो ज़ीरो भी कर रहा है, क्लियर। अब क्लियर को कैसे काम करेगा, क्लियर आपने यहाँ पर आना है, और कहाँ है क्लियर हमारे पास, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पर गाइस देखें कि हमने यहाँ पर सिंपल एम्प्टी रख देना है, ठीक है, फंक्शन में क्या करना है, एम्प्टी रख देंगे, ठीक है, ताकि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो आपके पास एम्प्टी डाटा आए, ओके। अगर देखें मैं रिफ़्रेश करूँ और यहाँ पर वन ये कुछ भी मैं इंटर कर देता हूँ, और जैसे क्लियर करूँगा तो अभी तक शो नहीं हुआ, ओके। तो मैं इसको भी सेव करता हूँ और इसको भी सेव करता हूँ, और यहाँ पर देखते हैं क्लियर कहाँ पर है, बी टी एन क्लियर यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक अप्लाई किया ही नहीं, ठीक है, तो ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ करेंगे यहाँ पर, और बी टी एन क्लियर, ठीक है, सेव। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो गाइज आप देखेंगे अगर मैं यहाँ कुछ भी टाइप करता हूँ टू थ्री फोर, ठीक है, जैसे क्लियर करता हूँ तो अभी तक क्लियर नहीं आया, आई थिंक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, सेव, ओके। अगर मैं इन्फो डॉट जी एस में आऊँ, ओके, एडिशन एंड असाइनमेंट ऑपरेटर बिल्कुल सही है, और अभी तक इसको क्या प्रॉब्लम है, अच्छा तो मैं ये हटा देता हूँ, ठीक है। अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर और अब इसके अंदर इंटर करूँ यहाँ पर, ओके, तो अब देखिएगा क्लियर होगा, ठीक है, ओके, सिंपल हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है, क्लियर, ठीक है, तो अब क्लियर जो है वो वर्क कर रहा है, ओके। तो नेक्स्ट अब सारा काम हमारा कंप्लीट हो गया, अब हमने एक आंसर जो है ये, अब अगर मैं देखें यहाँ पर वन प्लस नाइन करता हूँ और क्लिक करता हूँ तो आंसर नहीं आ रहा, तो ये कैसे वर्क करेगा। तो गाइज ये है हमारे पास, हम यहाँ पर इवेल का फंक्शन यूज़ करेंगे,
ठीक है। ईवेल एवेल्युएट इसका मतलब वैल्यूएट करके देगा वैल्यू हमें, तो यहाँ इसको एवेल ओके। तो यहाँ पर जो है इसी को उठाना है आपने कॉपी और यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना ओके सेव। और ये अवेल का फंक्शन गाइस, इसको मैं बताता हूँ आपको ये वर्क कैसे करता है। रिफ्रेश ये 1+6 अगर ये करता हूँ तो देखिए हमारे पास अभी वर्क नहीं कर रहा। आई थिंक मैंने इसको कॉल नहीं किया गाइस, तो मैंने इसे कॉल नहीं किया तो इसको यहाँ पर मैंने मुझे कॉल करना है। ऑन क्लिक इवेंट हैंडल यूज़ करूँगा, ऑन क्लिक और btn आंस ठीक है। तो ये मेरे पास मेथड है ठीक है सेव। अगर गाइस रिफ्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें आप यहाँ पर अगर 4+5 करूँ तो यहाँ पर आपके पास 9 आने वाला है ओके। अगर 2 ओके क्लियर करता हूँ यहाँ से, अगर 2*3 करूँ तो आंसर आपके पास 6 आने वाला है ओके। अगर डिवाइड करूँ 2 से तो आपके पास 3 आने वाला है। मीन कि गाइस आप आपका कैलकुलेटर जो है वो ज़बरदस्त बन चुका है ठीक है ओके। तो इस तरीके से हर सब काम ज़बरदस्त तरीके से कर रहा है, बिल्कुल सिंपल था। मैं इसको फिर से रिपीट कर दूं, हमने सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर क्रिएट किया था, फिर हमने स्टाइल किया, फिर हम info.js पे आए और यहाँ पर मैंने सबका जो है फंक्शन जो है 18 मेथड जो फंक्शन है हमने वो क्रिएट किए ओके। तो इन सब को फिर मैंने आपको बताया कि एडिशनल असाइनमेंट ऑपरेटर कैसे वर्क कर रहा है ठीक है। और उसके बाद मैंने 18 टाइम इनको कॉपी किया, उनका वैल्यू चेंज किया और लास्ट में मैंने आंसर के बटन पे सिर्फ ये चेंज किया है वेल, और यहाँ पर सिंपल मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया क्लियर पे ओके। बिल्कुल सिंपल है, सिंपलेस्ट है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा एक दफ़ा आपको समझ आ जाएगा ओके। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही, और एक चीज़ और गाइस, अगर आपको ईवेल का नहीं समझ आया तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो का, आप उसको वॉच करके ये ईवेल मेथड आप देख सकते हैं ओके। तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, थैंक यू।